Welcome, dear audience. This is Sayyeda Shahtaj Bukhari, and I'm going to deliver the lecture about what is management and what is the importance of management. So let's start. But before going to this video and watching this, please subscribe my channel and like the video, share the video if you like, and please watch the video completely. Okay, fine. Okay, let us start. Bismillahirrahmanirrahim. So we'll talk about the management today and its importance. So there are a few, you can say, important steps that why management is important. Number one, it creates a good orderly learning environment in the class. Second one, it creates, you can say, good academic environment. Number three, it improves the students, the weak students, and the students who want to improve their skills. Number four, you can say that it stops the bad behavior of the students. Management is very important. And here are some elements of class management. Before going to these elements, I would like to tell you that why it is important. सो टीचर्स, आप कितने भी वेल एजुकेटेड हों, कितने भी लर्नड हों, कितने भी स्कॉलरली आपके पास एजुकेशन हो, बट इफ़ यू आर नॉट अ गुड मैनेजर इन द क्लास, इफ़ योर क्लास इज़ नॉट फोकस्ड टूवर्ड्स यू, यू कॉन्ट बी अ गुड टीचर. सो वट आर द फ्यू पॉइंट्स विच वी हैव टू फोकस ऑन? द फर्स्ट पॉइंट इज क्लासरूम स्किल्स. क्लासरूम स्किल्स के अंदर क्लासरूम रूल्स आते हैं. सबसे पहले क्लासरूम रूल्स के अंदर टीचर्स, यू हैव टू, यू कैन से कि आपको अपने स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा सबसे पहले कि आपका जो है क्लास के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या आप चाहते हैं, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स से. बिकॉज अगर आप अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को ये नहीं बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं उनसे, यानी आप उनसे क्या क्या तवक्कोआत रखते हैं. द नेक्स्ट वन इज सिटिंग ऑर्गेनाइजेशन. It is very important. You can say that it is the biggest cause of the mismanagement in the class. अगर आप किसी बच्चे को किसी डिसकन्वीनियंट जगह पर बिठाते हैं एंड आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी क्लास को फुल फोकस्ड होकर आपकी क्लास अटेंड करे, बल्कि बच्चा जो है ना कन्वीनियंटली काम करे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू व्हेन द सेशन इज स्टार्टेड, आपने सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू पेस्ट, इसको एज एन एक्टिविटी समझ लें फॉर द टीचर, कि आपने क्लास के बेंचेस के ऊपर बच्चों के विद द नेम उनकी वो चिट्स लगा देनी है, उस चार्ट और वो स्लिप्स पेस्ट कर देनी है. लाइक अबू बकर की सीट, ये रहमान की सीट है, ये अब्दुल्ला की सीट है. सो दैट जो फर्स्ट एक कन्फ्यूजन होती है ना स्टूडेंट्स को, हम कहाँ बैठें कहाँ ना बैठें, ये चीज़ रिड्यूस हो जाएगी. एंड सेकंड थिंग, क्लास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्राई टू कीप दिस थिंग इन द माइंड कि क्लास की सिटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने चेक करना है कि किन किन बच्चों का पेयरिंग करें, पेयरिंग सिस्टम रखें. इट मीन्स कि वन स्टूडेंट इज़ वीक एंड अदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट. सो वट यू हैव टू डू कि इंटेलिजेंट एंड वीक स्टूडेंट्स की पेयरिंग करें, इनको इस तरह बिठाएं, ठीक, और कोई ना कोई बेंच का कैप्टन बना दें, जो अच्छा बच्चा है, जो अच्छा पढ़ने वाला है, उसको कैप्टन बनाएं ताकि वो दूसरे बच्चे की भी हेल्प करे एज़ फार एज़ द राइटिंग इज़ कंसर्न, स्टडी इज़ कंसर्न एंड लर्निंग इज़ कंसर्न, फाइन. और सिटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वन मोर थिंग यू वुड हैव टू टेक इन योर माइंड एंड दैट इज़ कि आप बच्चे के बेंचेस की इस तरह से सिटिंग की ऑर्गेनाइजेशन करें कि बच्चे को अगर वो कॉपी चेकिंग के लिए आ रहा है उसने, या उसने किसी काम से बाहर जाना है, तो ये ना देखे कि मैं कहाँ से आऊँ कहाँ से गुजरूँ. ये चीज़ जो है ना आपके लेक्चर को डिस्टर्ब करेगी, जब बच्चे को जगह नहीं मिल रही होगी, या एक एक बेंच पर चार चार बच्चे आपने बिठाए हुए हैं, ऐसी चीज़ क्या होती है बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड करती है. सो वो आपका लेक्चर ध्यान से नहीं सुनेगा, ये भी मिसमैनेजमेंट की एक वजह है. सो आपने क्या करना है, बहुत कन्वीनियंटली बेंचेस को ऑर्गेनाइज करना है. एंड नंबर थ्री, स्टूडेंट्स इंगेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. टीचर्स, आपको देखना है कि बच्चा किसी टाइम भी फ्री ना रहे. फ्री रहने का मकसद ये होता है कि जैसे आप देखते हैं क्लास के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है एट टाइम्स कि व्हेन यू डिलीवर अ लेक्चर, बच्चों को कोई असाइनमेंट दी जाती है, तो ऐसे बच्चे जो कि अपनी असाइनमेंट को पहले फुलफिल कर लेते हैं, पहले कंप्लीट कर लेते हैं, दे स्टार्ट टीजिंग अदर स्टूडेंट्स, दे स्टार्ट टीजिंग देयर पीयर शीयर्स, फाइन. तो क्या करते हैं, दूसरों को तंग करना स्टार्ट कर देते हैं. अब ऐसे सिचुएशन में हमने क्या करना है कि ऐसे बच्चे बहुत शार्प हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो उनका आउटलेट जो है ना वो हो चुका है, यानी वो काम कर चुके हैं. अब हमारा काम क्या है कि उनको अगेन बिजी करना. बट इसमें एक चीज़ मद्देनज़र रहनी चाहिए कि मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज करना है, उनको बैड एक्टिविटीज़ लाइक ये नहीं कह देना कि बच्चे आप हेड डाउन कर लें, आप अपनी आइज क्लोज कर लें, दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ यू नो मेक देम मोर फ्यूरियस एंड वो ये काम करना पसंद नहीं करते. बट इन केस ऑफ दिस के वो फ्री है, आप अगर उन्हें कह दें कि बच्चे आपको ये टेबल आता है
आपको 5 का टेबल आता है, चलो मुझे लिख के दिखा दो। एंड इसके अलावा आप ग्रामर रिवाइज करने को दे सकते हैं बच्चों को, कोई ऐसी एक्टिविटी, मीनिंगफुल एक्टिविटी जिसको करके बच्चा, या उसको ऐसा कुछ काम दें कि बच्चे, अच्छा ईद पर आप गए थे किसी के नानों के घर गए थे या कहीं, चलो अपना एक्सपीरियंस मुझे लिख कर दिखाएं। ठीक है, ओके टीचर्स, आई होप कि आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा कि आपने नेक्स्ट टाइम अपनी क्लास को किस तरह मैनेज करना है। और इस चीज़ को आपने नहीं भूला कि अ गुड टीचर इज़ अ गुड मैनेजर। ओके, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।